मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला जेल में रिहाई के बाद जहां केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं सुरक्षा कम किए जाने के मुद्दे पर भी सिद्धू का दर्द झलका। सिद्धू ने कहा कि मेरी सुरक्षा कम की गई है, पहले एक सिद्धू को मरवा दिया, अब दूसरा भी मरवा दो। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने सिद्धू की जेड प्लस सिक्योरिटी में कटौती करते हुए उनकी वाई सिक्योरिटी कर दी है। सिद्धू ने कहा कि वो मौत से नहीं डरते। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सुरक्षा कम किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं संविधान को अपना ग्रंथ मानता हूं। तानाशाही की जा रही है, जो संस्थाएं संविधान की ताकत थी उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं घबराता नहीं हूं, ना ही मौत से डरता हूं, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूं पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं। सिद्धू ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, आज लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश की जा रही है, पंजाब देश की ढाल है जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पंजाब में अल्पसंख्यकों के खिलाफ केंद्र सरकार साजिश करने में लगी हुई है, पहले पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर समस्या पैदा की जाती है, फिर उसको नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है, अगर पंजाब को कमजोर करने की साजिश की गई तो खुद भी कमजोर हो जाएंगे, पंजाब को कमजोर करके कोई सरकार मजबूत नहीं बन सकती। जेल से निकलने के बाद ये सिद्धू का पहला बड़ा बयान है। इसके बाद उन्होंने खुद की तुलना सिद्धू मूसेवाला से की है। उन्होंने कहा, एक सिद्धू को तो आपने मरवा दिया, अब दूसरे सिद्धू को भी मरवा दो। यानी नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी जेड प्लस सिक्योरिटी खोने के बाद दर्द काफी है। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।